और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलरामपुर में दलित छात्रा से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बलरामपुर में हाथरस जैसी विभत्स वारदात सामने आई है। दलित छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। दलित छात्रा का गैंगरेप कर मर्डर हुआ है। हत्या के पहले दोनों पैर भी तोड़ दिए गए हैं। दरिंदों ने हैवानियत की हद पार की है। गैंगरेप के बाद मुंह में इंजेक्शन भी ठूंस दिया। किडनैपिंग, गैंगरेप और फिर हत्या की बड़ी वारदात बलरामपुर से सामने आई है। हाथरस जैसी विभत्स वारदात बलरामपुर में सामने आई है। तीन आरोपियों को पकड़ने का पुलिस का दावा सामने आया है। बलरामपुर के गैसली इलाके का ये बुरा मामला है। छात्रों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शरीर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह तोड़ा गया है। हैवानों ने बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर हाथरस जैसी विभत्स घटना सामने आई है। दलित छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, हत्या के पहले दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं। दरिंदों ने हैवानियत की हद पार की है। बड़ी खबर में आपको बलरामपुर से बता रहे हैं, यहां पर होगी लेकिन ये खबर बेहद शर्मनाक है। एक बार फिर हाथरस के बाद बलरामपुर में भी वैसी ही तस्वीर। तहरीर में अपनी दो लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया, और लड़की की जब हालत खराब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल ना ले जाकर के उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर